सर टॉस भी जीत लिया मैच भी जीत लिया। सर बैटिंग करोगे कि बॉलिंग? गोपाल सर की टीम फील्डिंग करेगी, गगन सर की टीम बैटिंग। हमें जीवन में खेला ही नहीं है। चलो आज बेटा मैच खेलेंगे। तालियों के साथ स्वागत करें। सबके सामने इमाम की मैच टॉस कराएंगे। 20-20 ओवर का मैच होगा और मैच रेफरी हैं गगन प्रताप सर। मैं रेफरी रेफरी अब मैं कुछ नहीं करूंगा सर। हमारे पास ही आते हैं ना सारे, वहीं बैठने जाओगे? अरे नहीं सर, खाते हैं और आज काम है। अबे सैलरी तो अपनी ले रहे हो। अरे अब मांगो जो भी है। जीत गए भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। गगन सर जीत गए, बोलो सर क्या करेंगे? क्या क्या करना चाहेंगे सर? टॉस भी जीत गया, मैंने भी जीत लिया। सर बैटिंग करोगे कि बॉलिंग? नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा सर, मैं केवल वॉचिंग। नहीं सर वो टीम बताएगी ना। बैटिंग फील्डिंग आगे फील्डिंग। गोपाल सर की टीम फील्डिंग करेगी, गगन सर की टीम बैटिंग। चलिए तालियों से स्वागत। और आपके पास समय है सर मात्र 4 मिनट का क्रिकेट खेलने का। गोपाल भाई जल्दी फील्डिंग लगाओ। आप सबके सामने इमानसी मैम टॉस कराएंगी और ये 20-20 ओवर का मैच होगा, ठीक है? और विरोधी टीम के कप्तान गोपाल वर्मा सर और मैच रेफरी हैं गगन प्रताप सर। मैं रेफरी अब मैं कुछ नहीं करूंगा सर। सर हम हारते दिखे तो बॉलिंग करोगे बच्चे? गोपाल वर्मा सर कहाँ? ये रे जयदीप भाई आ गया। दूसरी टीम का कैप्टन जयदीप भाई, कौन मांगेगा आप इसे? मैच तो मेरे को दे दो, मैं रेफरी हूँ ना। अब मैच का टॉस होते हुए हेड है सर, सिक्का देना टेल है। हम जीते हैं और यहाँ पर देख रहा हूँ गोपाल वर्मा टॉस है। हम बैटिंग ले रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू। इस ग्राउंड के जो रैली करी है वो हम हैं। जय गोपाल।
और यहाँ पर पहली बॉल राकेश यादव सर अपने ओवर की दूसरी बॉल डालने के लिए तैयार। अंपायर का क्रॉस का ये बॉल ग्राउंड के लिए बॉल को बाहर मार दिया। बॉल जा रही है बाउंस पर मुझे जी कैसे मेरा काम सब कैच रोक होती और राकेश यादव सर की तीसरी बॉल प्रयास के लिए और ये बॉल को फ्री का लेफ्ट साइड में यदि सर अपना बॉलिंग करना लेती है और ये बॉल ध्यान चुके लिए बॉल को फील्ड करना चाहते थे और यहां पर बॉल नाम में फील्डर बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं। बॉल की तरफ ओरेंज वक्त पर बॉल को पकड़ ले रहा है मात्र एक रन के साथ ही संतोष करते हुए दोनों बल्लेबाज। जी हां एंपायर का क्रॉस क्या ये बॉल ऊपर पर मारने का प्रयास और बहुत सारी बॉल के बाद चार किसी के पास कोई मौका नहीं। ओए बॉल जी हाँ जाती सर की अगली बॉल पहला विकेट मिलता है यहाँ पर विपक्षी टीम को झटका लगता हुआ और उसके साथ में स्कोर जा पहुंचा है 7 रन विदालो तो 1 विकेट जयदीप सर टुक हिज फर्स्ट विकेट इन हिज फर्स्ट ओवर। चौथा ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज ने गेंद को ऊंचा खेल दिया है नो मैन्स लैंड पर गिरती हुई और मात्र एक रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को किस जगह ले रखी है इसी बीच ताकि की दिशा में गेंद की गेंद को खेल दिया है गली की दिशा में गेंद दौड़ी जा रही है बाउंड्री की तरफ और 4 रन क्षेत्र रक्षक ने बहुत ही पीछा किया चौथा झटका लगता हुआ और एक पूरी एनर्जी के साथ मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी मोटिवेशन के साथ अपनी टीम को आगे लेकर जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं जितना अच्छा बैटिंग करते हैं उससे खतरनाक बॉलिंग करते हैं सोलवा वल्लीकर बहुत ही और ये का एलबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर ने अपील को स्वीकार किया विकेट नंबर 5 है बिन फॉलोइंग ऑन द लक्ष्य दिया है जिसमें 47 रन बनाने हैं और पहली गेंद and I think that he was unlucky because in the previous match सभी स्टूडेंट्स से आग्रह है कि राकेश सर का तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं जिस तरह से एक अच्छे टीचर हैं उसी तरह से बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी हैं। बैटिंग के लिए आ गए हैं वो भी धमाकेदार तालियों का स्वागत करते हैं सभी और चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Right arm over the wicket and the batsman takes the ball. There was a shot in the V shape. Telecast very carefully. And this time over the ball. किसी के पास
इस मैच का पहला छक्का आता हुआ। बहुत तगड़ा था, वो लग रहा था कि विकेट नहीं गिरेगी, लेकिन दूसरी झटक दूसरा झटक होते हुए और शिवम 36 के स्कोर पर वापस जा रहे हैं। बहुत ही उम्दा बॉलिंग, 29 गेंदों का सामना किया और 36 रन बनाए। इट्स फिफ्थ स्टार्टिंग इज पे और यहां पर अपील की जा रही है और अंपायर ने इसे नॉट आउट दे दिया है। बेटे के द्वारा अभी शुभम बैटिंग के लिए आए, बहुत ही उम्दा फंक्शन है, बहुत ही अच्छे हिट मारते हैं, पावर हिटर, विकेट बचे हुए हैं सिर्फ दो, ले तो अभी तक आता भी बचे हैं दो और रन चाहिए 14। मार मार 11 बॉल पे 12 रन चाहिए, 12 बॉल 12 रन। यहाँ काफी दबाव महसूस कर रही है बॉलिंग टीम। बॉल फटाक मार है, बॉल बाउंड के बाद देखना कुछ अच्छे रन, काफी शानदार है, लेकिन बॉल के बाउंड के बाद 6 रनों के लिए और इसके साथ अब मैच में केवल औपचारिकता बाकी है। अब सिर्फ जीत के लिए 3 रन चाहिए, अब सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गया है मैच और इस 6 रन के साथ मैच पूरी तरह से गुमान सर के हाथ से निकल चुका है। मुझे लगता है देरी सी आप क्या कहेंगे, जो कैच है उसने यहाँ पर थोड़ी थोड़ा गवा दिया है और यहाँ पर two wickets only remaining. So that is a beautiful moment we are watching, and we are watching in this Noida Cricket Stadium. And कहाँ है, शर्मा गई क्या, हारने वाली टीम आ गया जा भाई, और जीतने वाली टीम भी आ गया जाओ, और हारने वाली टीम के कैप्टन आ जाएगी जल्दी से। कहाँ रह गए, अरे कहाँ हमारे रूम भाई, हारने वाली टीम के कैप्टन शर्मिंदा ना हो, हार को गले लगाकर आपको सिखाना होगा स्टूडेंट को कैसे नेगेटिव परिस्थितियों में भी स्माइल की जाती है। गोपाल भाई आइए और ये देखिए चेहरे की मुस्कान, इन्होंने बोलती है गवाह जो चेहरे से बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा है, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन फॉर्चुनर अलग बात है और ये हमेशा एक और मेरा यार ठीक है, बहुत ही जबरदस्त मैच रहा और आज से फॉर्च्यूनर अपनी लेके हमें तो जानी है।